स्टूडेंट, आज हम लोग लीनियर इक्वेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। इसमें आपको वैल्यू निकालनी है ए और बी की। आपको क्वेश्चन में कंडीशन दे रखी होगी कि इट हैज नो सॉल्वेशन, इट हैज मैनी सॉल्वेशन और इट हैज द यूनिक सॉल्वेशन। तो उन डिफरेंट केसेस को आप लोग एप्लीकेबल करके वैल्यू निकालेंगे। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 2x प्लस में 3y इक्वल टू 7, इट इज द फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन a माइनस b इंटू x, a प्लस b इंटू y और 3a प्लस में b माइनस 2। तो जो ये x का कोफिशिएंट है फर्स्ट इक्वेशन में, ये a1 है, ये b1 है, ये c1 है। सेकंड इक्वेशन में a माइनस बी a2 का काम कर रही है, a प्लस बी b2 का काम कर रही है और 3a प्लस में b माइनस 2 ये c2 का काम कर रहे हैं। अब हमारे क्वेश्चन में क्या डिमांड है? हमारे क्वेश्चन में कह रहा है कि इट हैज इनफाइनाइट सॉल्वेशन। इनफाइनाइट सॉल्वेशन का मतलब इट हैज मैनी सॉल्वेशन। तो इस केस में ये हमारी कंडीशन एप्लीकेबल होती है a1 अपॉन में a2 इक्वल टू b1 अपॉन में b2 इक्वल टू c1 अपॉन में c2। a1 की वैल्यू रखेंगे कोफिशिएंट ऑफ x 2 अपॉन में a माइनस b, 3 अपॉन में a प्लस b, 7 अपॉन में 3a प्लस b माइनस 2। अब हम पहली और थर्ड को लेंगे, 2a अपॉन में a माइनस बी इक्वल टू 7 अपॉन में 3a प्लस बी माइनस 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 6a प्लस में 2b माइनस 4, इससे मल्टीप्लाई करेंगे 7a माइनस 7b। अब इसको इधर ले आएंगे, 6a 7a को इधर लाओगे माइनस का 7a तो ये हो जाएगा माइनस का a, माइनस 7b को इधर लाओगे प्लस का 9b, ये माइनस 4 है इधर जाएगा प्लस का 4। इट इज द फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलरली हम फर्स्ट और सेकंड को लेंगे, 2 अपॉन में a माइनस बी इक्वल टू 3 अपॉन में a प्लस बी। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे फिर से, 2a प्लस में 2b इक्वल टू 3a माइनस 3b, इसको इधर लाएंगे माइनस का a, इसको इधर लाएंगे प्लस का 5b इक्वल टू 0। अब हमारे पास फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन बन गई हैं। अब फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को लिखेंगे और इनको कल की तरह आप सोल्व करेंगे एलिमिनेशन मेथड से। तो यहाँ पर भी माइनस a है, यहाँ पे भी माइनस a है, इसको हमने एलिमिनेट करना है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करते समय नीचे के साइन चेंज हो जाते हैं, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, ये कैंसल हो गया। अब 9b माइनस 5b इक्वल टू 4b और इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास 4, b की वैल्यू आ गई 1। नाउ पुट इक्वेशन 1, फर्स्ट इक्वेशन में इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, माइनस 9a प्लस में 9 इंटू बी की वैल्यू 1 इक्वल टू 4, माइनस a 9 को उधर ले जाएंगे, 4 माइनस 9 माइनस a इक्वल टू माइनस 5, a इक्वल टू 5 एंड b इक्वल टू 1। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 3x प्लस y इक्वल टू 1, 2k माइनस y, 2k माइनस 1, इसके साथ है हमारा x, ये हमारा x है, ये x का कोफिशिएंट है हमारा, x प्लस में k माइनस 1 इंटू y इक्वल टू 2k प्लस 1, दिस इज द सेकंड। अब इस क्वेश्चन में क्या रखा है, नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन की हम कंडीशन लगाएंगे a1 अपॉन में a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन में c2। अब हम फर्स्ट केस करने जा रहे हैं, 3 अपॉन में 2k माइनस 1 इक्वल टू 1 अपॉन k माइनस 1, ये दोनों बराबर है,
क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3k माइनस 3 इक्वल टू 2k माइनस 1। यहां से k की वैल्यू निकालेंगे, 2k को इधर लाएंगे तो k की वैल्यू आ जाएगी 2। अब हम अगली कंडीशन लिखेंगे b1 अपॉन में b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन में c2, 1 अपॉन में k माइनस 1 नॉट इक्वल टू 1 अपॉन 2k प्लस में 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2k प्लस 1 नॉट इक्वल टू k माइनस 1, k को इधर लाएंगे 2k माइनस k इज इक्वल टू, इसको इधर ले जाएंगे माइनस का 2, तो इट मींस k नॉट इक्वल टू माइनस 2। तो इस कंडीशन में k 2 के बराबर होना चाहिए परंतु k माइनस 2 के बराबर नहीं होना चाहिए। ये है हमारे इस प्रकार के क्वेश्चन।